फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव सिंपल रेसिपीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी के पराठे की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, पराठे बिल्कुल फटेंगे भी नहीं और जो फीलिंग है वो भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए, तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा बाइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप आटा लिया है और उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून अजवाइन और मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। बस अब हमको आटे को बाइंड करना है और इतना गीला आटा लगाना है जितना हम रोटी या पराठे के लिए लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को बाइंड कर लेंगे। तो आटे को मैंने बाइंड कर लिया है। हम आटे को ढककर रख देते हैं ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक 500 ग्राम का गोभी ले लिया है और गोभी के हमने सारे डंठल निकाल दिए हैं और उसको बड़े बड़े पीसेस में कट करके गर्म पानी से वॉश कर लिया है और उसको ग्रेटर की सहायता से इस तरह से ग्रेट कर लिया है। मैंने बड़े ग्रेटर का यूज़ किया है, आप ऐसे ही यूज़ करें। छोटे ग्रेटर से आप कद्दूकस करेंगे तो गोभी पानी छोड़ देगा या फिर आप चाकू से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। तो बस अब हम एक पैन लेंगे, पैन को हम रखेंगे गैस के ऊपर। पैन के अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये 2 टेबलस्पून के लगभग ऑयल है। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज। अब प्याज को हमको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। उसके पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो प्याज और हरी मिर्च को 30 से 40 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम लो मीडियम फ्लेम पर 40 से 50 सेकंड तक या फिर 1 मिनट तक भून लेंगे सारी चीज़ों को, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका कच्चापन निकल जाए और प्याज भी थोड़ी सी भुन जाए। तो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गए हैं, अब हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। स्टर कर देंगे, नहीं तो फिर हल्दी जल जाएगी। फिर हमने जो गोभी ग्रेट करके रखा है वो गोभी हम इसमें ऐड कर देते हैं। स्टर कर देते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के लगभग मैं अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। बस मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनाया है हमने, इसको हम ढककर पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर, बीच बीच में स्टर करते हुए, ताकि जो गोभी है वो अच्छे से पक जाए। तो गोभी को मैंने बीच बीच में स्टर कर दिया था, गोभी अच्छे से पक चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि गोभी में हल्का सा मॉइस्चर है, तो इस मॉइस्चर को दूर करने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग बेसन ऐड कर देंगे। तो अब बेसन के साथ हम सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और बेसन भी अच्छे से भुन जाए। तो जो स्टफिंग है वो अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया तो बस हरी धनिया को मिक्स कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडी हो जाए और हमको पराठे बनाने में कोई भी मुश्किल ना हो। लगभग 5 से 10 मिनट तक हम ठंडा कर लेंगे स्टफिंग को, तो पराठे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और जो आटा हमने बाइंड किया था वो भी अच्छे से फूल गया है और जो स्टफिंग हमने बोल में निकाली थी वो भी ठंडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं
भरने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत अच्छे से पराठे बन जाएंगे। तो बस अब हम आटे की लोइयां तोड़ लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं आटे को एक बार। तो बस अब थोड़ा सा सूखा आटा हाथ पर लगाकर लोई तोड़ लेंगे। नींबू के आकार से थोड़े बड़े साइज की लोई तोड़ेंगे हम, उसको गोल कर लेंगे और उसको सूखे आटे में लपेटकर फिर हम हल्का सा बेल लेंगे। मोटा ही रखें, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसमें स्टफिंग भर देते हैं। तो इस तरह से हाथ में लेकर जितनी स्टफिंग अच्छे से आ जाएगी उतनी मैं भर देती हूँ। तो ये 2.5 स्पून के लगभग यानी 2.5 चम्मच के आसपास स्टफिंग आ गई है। बस हम चारों तरफ से उठा के बंद कर देंगे लोई को। ये देखिए इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देते हैं। बस अब हम लोई को दबा देंगे हल्के हाथ से और फिर उसको सूखे आटे में हल्का सा बाइंड करके और उसको प्रेस कर देंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से स्टफिंग फैल जाए इस तरह से। बस अब हल्के हाथ से पराठे को बेल लेंगे। तो बिल्कुल गोल पराठा बनके तैयार हो गया है। हम इसको सेकने के लिए चलते हैं। तो पराठे को सेकने के लिए हमने एक पैन को हल्का सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अगर आप चाहें तो घी में भी पराठे को सेक सकते हैं। तो हमने पराठा डाल दिया है पैन के ऊपर, पराठे को सिकने देते हैं नीचे से। तो पराठा नीचे से सिक गया है, हम इसको टर्न कर देते हैं और फिर इस पर ऑयल लगा देते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई ना करें नहीं तो पराठा जल जाएगा। अगर आप कम ऑयल खाना चाहें तो थोड़ा कम ऑयल लगाएं, मैं थोड़ा ठीक ठाक ही लगा रही हूँ। टर्न कर देंगे पराठे को और दूसरी साइड से भी हम ऑयल लगा देते हैं। बस पराठे को टर्न करते हुए हम सेक लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं पराठे को हमने टर्न कर करके गोल्डन ब्राउन कर लिया है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है पराठा। बस अब हम इसको निकाल लेंगे, या तो हम इसको सीधे प्लेट में सर्व करेंगे या फिर एक प्लेट में कटोरी के ऊपर रखेंगे ताकि नीचे से मॉइस्चर ना हो और पराठा गीला ना हो। तो अब मैं आपको पराठा कट करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से स्टफिंग आ गई है अंदर। ये देखिए स्टफिंग बहुत अच्छे से फिल हुई है अंदर। तो इस तरीके से आप गोभी के पराठे को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप इन पराठों को अचार चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन आ सकें। अगर आप ऑल पर प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी एक बार चेक करने कि उन्होंने बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस किया है कि नहीं, नहीं तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट आई है कि आपके वीडियो के नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंजॉय द रेसिपी, बाय बाय।